असल मैं आपको आज के इस लेक्चर में खुश आमदेद कहता हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इस वक्त हम ग्राफ्स एंड ट्रीज का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ग्राफ्स के बारे में हमने पांच लेक्चर्स ऑलरेडी डिलीवर कर दी हैं एंड वी हैव कम्प्लीटेड अवर पोर्शन ऑफ द ग्राफ्स वी वार गोइंग टू स्टडी और अब हमने बाकी के दो लेक्चर्स हैं दे विल बी डिटेड टू ट्रीज ओनली इन दोनों लेक्चर्स में हमने ट्रीज को स्टडी करना है आपको याद होगा कि हमने काउंटिंग प्रॉब्लम्स के दौरान भी ट्रीज को यूज किया था इन सर्टन काउंटिंग प्रॉब्लम्स और इसके अलावा हमने प्रॉबिलिटी ट्री का भी जिक्र किया था वेन यू आर स्टडिंग प्रॉबिलिटी द ट्री इज नॉट अ अनफेमिलियड टॉपिक फॉर यू अच्छा इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी आपको बताना चाहता हूँ कि जिस किताब को हम फॉलो कर रहे हैं सुजाना की किताब अगर आप इसका टाइटल देखें तो टाइटल में भी आपको ट्रीज नजर आएंगे सुजाना ने अपनी किताब के टाइटल में ट्रीज को की पिक्चर्स दी हुई है लेकिन दीज आर नॉट द ट्रीज विच वी विल स्टिंग इन मैथमेटिक्स हम डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स में हम उन ट्रीज की बात नहीं करेंगे विच यू सी ऑन द टाइटल ऑफ द बुक सोजाना हम जो बोटैनिकल हमारे ट्रीज हैं हमारे जो मैथमेटिकल ट्रीज़ हैं दे विल बी डिफरेंट फॉम द काउंटर पार्टस लेकिन आप नोट करेंगे कि देर विल बी सर्टन सिमिलरिटीज़ हम ट्रीज़ की टर्मिनोलॉजीज को हम ले कर आएंगे अपने इस जो हमारा मैथमेटिकल कंसेप्ट है ट्रीज का उसमें भी मसल यहाँ पर भी हम रूट के बारे में बात करेंगे रूट ऑफ अ ट्री हम ब्रांच की बात करेंगे और हम लीवस की बात करेंगे तो हमारी टर्मिनोलॉजी वहीं से आएगी जो कि बोटेनिकल ट्रीज से ही आएगी लेकिन दे विल बी सर्टेनली वेरी डिफरेंट बस एक बड़ा डिफरेंस तो इसमें ये होता है कि हम आमतौर पर जब ट्री को ड्रा करेंगे विद root, एक रूटेड ट्री को जब हम ड्रा करेंगे तो इट विल बी एन अपसाइड डाउन ट्री रूट को हम ऊपर बनाएंगे और बाकी ब्रांच को नीचे बनाएंगे तो देर विल विल बी मोर डिज प्रॉबलीन देर आर सिमिलरिटीज एक्सेप्ट फॉर द टर्मिनोलॉजी अच्छा ट्रीज की अप्लिकेशन जो है ये बहुत ज्यादा है कंप्यूटर साइंस के अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आप ट्रीज को स्टडी करते हैं और तकरीबन हर सब्जेक्ट के अंदर आपको ट्रीज को स्टडी करना पड़ता है चंद एक हमने एप्लीकेशंस मैंने खास तौर पे लिस्ट की हुई है टॉपिक एक्चुअल टॉपिक ट्रीज आर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ वाइड वेराइटी इन कंप्यूटर साइंस ट्रीज आर एम्प्लॉयड टू Construct efficient algorithms for locating items in a list. Construct networks with the least expensive set of telephone lines linking distributed computers. Construct efficient codes for sorting and transmitting data. Model procedures that are carried out using a sequence of decisions, which are discussed in the study.

So definition, of is Bangay K T that T is a connected graph which does not contain any circuits. So its formal definition. And then we see one or two examples of trees. A tree is a connected graph that does not contain any non-trivial circuit. That is, it's a circuit-free graph is circuit-free. A trivial tree is one that consists of सिंगल वर्ड एक्स अब ये तीन एग्जाम्पल दी हुई है लेफ्ट के ऊपर जो ट्री बनाया हुआ है इट लुक्स लाइक अ ट्री अपने आप ब्रांचेस नोट कर सकते हैं और कर सकते हैं फिर राइट right पे टॉप पे दिया हुआ ट्री विच डुक सिंगल वर्ड एक्स है इसको हम कहेंगे ट्रीवियल ट्री ट्रीवियल ट्री डेव एनी ब्रांचेस एंड इट डजन सिर्फ इसमें एक वर्टेक्स है इट विल्डियल ट्री हम ट्रीवियल ट्री को मेरा ख्याल दोबारा कभी डिस्कस नहीं करेंगे उसके बाद बॉटम पर तीसरी एग्जाम्पल है ये हमने ट्री को लिटाया हुआ है क्या लें आप के इट्स अगेन अ ग्राफ आप नोट कर लें इट्स कनेक्टेड ग्राफ एंड इट डज नाट कंटेन एनी सर्कट्स सो दीज आर थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज अच्छा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए डेफिनेशन को सही तरीके से समझने के लिए अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स देंगे ग्राफ्स की विच आर नॉट ट्रीज एग्जांपल्स ऑफ नॉन भी हमने तीन एग्जांपल दी हुई है पहली एग्जांपल ए में हमारे पास एक ग्राफ है कनेक्टेड ग्राफ बट इट हैज सर्कट इन एट आप इसमें देखें कि इसमें एक ट्रा मौजूद है इट हैज सर्कट सो दिस ग्राफ इज नॉट अ ट्री अब बी को नोट करें कि बी जो है इट ड बट इट इज नॉट कनेक्टेड हमारे पास दो कॉम्पोनेंट्स हैं इसके क्लियरली क्राफ्ट के सो इट इज नॉट अ ट्री अगेन और सी में देखें कि सी इज कनेक्टेड बट इट हैज सर्कट इसमें एक लूप आ रहा है तो लूप इज बेसिकली सरकट तो दिस इज नॉट अ ट्री इधर अच्छा अब हम कुछ आ, खास किस्म के ट्रीज हैं जिनको खास नाम दिए हुए हैं उनको हम कंसिडर करते हैं इसमें ट्रीवल ट्री भी आ जाएगा फॉरेस्ट की बात भी करेंगे अच्छा ट्रिबिल ट्री हम उसे कहते हैं विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड इसको ट्रिविल ट्री भी कह देते हैं और डी ट्री भी कह देते हैं पर एम्प्टी ट्री अ ट्री दैट डज नॉट है एज इज इज कॉल्ड एन एम्प्टी ट्री तो जिसमें वर्ड भी कोई नहीं है और एज भी कोई नहीं है उसको हम एम ट्री कह देंगे अ ग्राफ इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट इफ एंड ऑनलिफ इट इज सर्कट फ्री अच्छा ग्राफ के ट्री होने के लिए हमने दो कंडीशन लगाई थी हमारे पास दो कंडीशन थी फॉर ग्राफ टू बी अ ट्री पहली तो ये थी कि ग्राफ शुड बी कनेक्टेड और दूसरी ये थी कि इट शुड बी सर्किट फ्री अब अगर हम कनेक्टेड की रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दें तो उस सूरत में हमारे पास जो रिजल्टिंग ग्राफ होगा दैट शुड बी कॉल्ड अ फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट कैन इन अवर सिचुएशन कैन कंसिस्ट ऑफ अगल ट्री एज वेल

जैसे जैसे हम इनको स्टेट करेंगे आप ये देखेंगे कि दे आर फेयरली ऑबियस तो ये प्रॉपर्टीज हैं ट्री विद एन वर्ड एन माइनस अगर ट्री में 10 वर्टिसेस होंगे तो एजिस कितने हो जाएंगे विल बी 10 माइनस वन इट विल है दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली प्रोवाइड एस एन आल्टरनेट डेफिनेशन फॉर अ ट्री ट्री को अभी हमने डिफाइन किया था कि कनेक्टेड ग्राफ Which is circuit free is called a tree. So now we can say, a connected graph on n vertices that has n minus one edges. So three three a connected graph n vertices which has only n minus one edges will always be a tree. So any connected graph with n vertices and n minus one edges is a tree. अच्छा एक ट्री को डिफाइन करते हुए हमने ये कहा था कि ट्री डजेंट कंटेन एनी नॉन ट्रिवियल वियल सर्कट्स लेकिन एक चीज कही जा सकती है कि अगर किसी ट्री में अगर आप कोई भी एज एड कर देंगे तो आपके पास लाजमी तौर पर एक सर्कट आ जाएगा वेन एवर यू एड एन एज इनटू अ ट्री इट रिजल्ट सर्कट ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी उसकी है और दूसरी प्रॉपर्टी ये एक्चुअली इट्स द फोर्थ प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी यह है कि ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ लेकिन अगर ट्री में से एक भी एंच को अगर रिमूव कर दें तो दिकम्स डिस्कनेक्टेड ये थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज भी देख लें आप अ ट्री हैज नो नॉन ट्रीवियल सर्कट बट इफ वन न्यू एंचड टू इट देन द रिजल्टिंग ग्राफ हैज एक्टली वन नॉन ट्रीवियल सर्कट एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज अ ट्री इज कनेक्टेड बट इफ एनी एज इज डिलीटेड फ्राम इट दैन द रिजल्टिंग ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड और फिफ्थ प्रॉपर्टी है एनी ट्री दैट हैज मोर देन वन वर्ड एक्स हैज एट लीस्ट टू वर्ड ऑफ डिग्री वन इसको भी आप आसानी के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर किसी ट्री में एक से ज्यादा वर्ड एक्स होगा तो इसमें कम अज कम दो वर्ड ऐसे जरूर होंगे जिनकी डिग्री वन के बराबर होगी और सिक्स प्रॉपर्टी इज एक्चुअली अगेन डेफिनेशन फॉर ट्री अ ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ऑन लिव दर इज अक पास बिटवीन एनी टू ऑफ वर्सेस तो यह हमारे पास ट्री की छह प्रॉपर्टीज आ गई हैं तो इनमें से दो प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं जो कि ट्री को इन अ वे रीडिफाइन कर रही है तो इनको मैं साथ साथ बताता भी गया हूं कि हमारे पास अल्टरनेट डेफिनेशन आ गई है ट्री की इफ कनेक्टेड ग्राफ ऑन एन वर्ड हैज एग्जैक्टली एन माइनस वन एज इज इट इज ऑलवेज ए ट्री और दूसरी हमारे पास ये है कि अगर कनेक्टेड ग्राफ में कनेक्टेड uh, ग्राफ को जैसे हमने डिफाइन किया था कनेक्टिव ग्राफ उसको कहते हैं विच हैज पाथ बिटवीन एनी टू वर्ड ऑफ्राफ अगर वो हर पेयर ऑफ वर्ड के लिए पाथ आपके पास यूनिक आए

जो अभी प्रॉपर्टी स्टेट की है उन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे उन प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। एक्सप्लेन व्हाई ग्राफ्स विद द गिवन स्पेसिफिकेशंस डू नॉट एक्सिस्ट नंबर वन ट्री दैट हैज 12 दर्डिस एंड 15 एजेस। इज इट पॉसिबल अगर किसी ट्री के ट्वेल्व वर्डिस हो तो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी then it must have 12 minus 1, 11 edges, not 15. This means that there is no possibility for a tree to have 12 vertices and 15 edges. So this is the answer. It is not possible because a tree with 12 vertices must have exactly 11 edges. Second is a tree with 5 vertices and total degree 10. फाइव वर्डसेज हैं तो इसका मतलब है कि ट्री मस्ट हैव फोर एजेस लेकिन गिवन यह है कि टोटल डिग्री जो है वह ग्राफ की टेन के बराबर है तो अगर ग्राफ की डिग्री टोटल टेन हो तो देन इट हैजन डिवाइडेड बाई टू फाइव एज में होने चाहिए तो इसका मतलब यह है कि हमारी दोनों कंडीशन मीट नहीं कर रहे हैं कि हमारी फाइव वर्डसेज के ऊपर फोर एजेस होने चाहिए लेकिन अगर डिग्री 10 होगी तो इट विल हैव फाइव एजेस तो ये कंफ्लिक्ट हमारे पास आ रहा है सो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल अच्छा अब एक और हम एक्सरसाइज करते हैं जिनमें उन्हीं प्रॉपर्टीज को जिनको हमने अभी स्टेट किया था उनकी एप्लीकेशन होगी फाइंड ऑल नॉन एसमोफिक ट्रीज विथ फोर वर्डसेस अच्छा सबसे पहले तो आप यह नोट करें अगर फोर वर्डसेज हैं तो उसमें तीन एजेस होंगे और अगर तीन एजेस हैं तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल डिग्री जो होगी हमारे ग्राफ की दैट विल बी थ्री इंटू टू सिक्स अब हमारे पास फोर वर्डसेज हैं और टोटल डिग्री जो है वो सिक्स के बराबर है हमने अभी स्टेट किया था इफ अ ट्री हैज मोर देन वन वर्ड ज एट लीस्ट टू वर्डस ऑफ डिग्री वन तो जो हमारे पास चार वर्डसेज हैं उनकी अगर हम डिग्रीज को लिस्ट करना शुरू कर दें तो दो वर्डस तो ऐसे होंगे जिनकी डिग्री वन के बराबर होगी अब टोटल डिग्री सिक्स है तो बाकी की चार डिग्री जो है उसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं या तो हमारे पास तीसरा और चौथा वर्ड्स जो है इट हैज डिग्री वन एंड थ्री रेस्पेक्टिवली या फिर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि थर्ड एंड फोर्थ वर्ड हैज डिग्रीज टू ईच तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो ग्राफ्स आ जाते हैं पहले ग्राफ में आप नोट करें कि हमारे पास तीन वर्ड हैं जिनकी डिग्री वन के बराबर है ये बॉटम के ऊपर इस ग्राफ को हमने ड्रॉ किया हुआ है या थ्री वर्डिस ऑफ डिग्री वन और एक वर्ड ऐसा है जिसकी डिग्री के बराबर है और दूसरी जो हमने इसका सॉल्यूशन दिया है उसमें हमारे पास दो वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री वन के बराबर है और दो ही वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री टू के बराबर है तो इस तरह हमारे पास टू नॉन ऑसोमोफिक ट्रीज डेट है इसी तरह की एक और एग्जाम्पल करते हैं पिछले एग्जांपल में हमने सारे नॉन ऑसोमोफिक ट्रीज मालूम किए थे विद फोर वर्डसेज अब हम मालूम करते हैं ऑल नॉन आसोमोफिक ट्रीज विद फाइव वर्डसेस फाइंड ऑल नॉन असोमोफिक ट्रीज विद उसी तरह की है, vertices, मतलब है कि चार एजेस होंगे अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉपर्टी और अगर चार एजेस है तो टोटल डिग्री जो हो जाएगी दैट विल भीवल टू एट अब पांच वर्ड में से दो वर्ड ऐसे होंगे जिनकी डिग्री वन के बराबर है बाकी ये तीन जो हमारे पास है उसमें उन तीन वर्सेज में हमने रिमेनिंग एट डिग्री हमारे पास कुल एट है और बाकी के छह जो होंगे डिग्री जो होगी दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग थ्री वर्डसेस तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज बनती है उसकी उसकी एक पॉसिबिलिटी तो ये बनेगी कि हमारे पास तीसरा और चौथा और पांचवा पांचों वर्ड तीनों वर्डिस जो है दे आर ऑफ डिग्री टू एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि एक वर्टेक्स हमारे पास तीसरा वर्टेक्स एक्स डिग्री वन का है चौथा डिग्री थ्री का है और चौथा डिग्री टू का कर लें और पांचवा डिग्री थ्री का हम कर लेते हैं और फाइनली हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि तीसरा और चौथा वर्टेक्स जो है दे आर आल्सो ऑफ डिग्री वन और फिर पांचवा वर्टेक्स हमें डिग्री फोर का लेना पड़ेगा तीसरा इस तरीके से हमारे पास जो टोटल डिग्री एट है वो इस तरीके से डिवाइड होती है और हमारे पास तीन पॉसिबल सोल्यूशन आ जाते हैं फॉर नाइन नॉन आइसोमोफिक ट्रीज ऑन फाइव वर्सेज ये सोल्यूशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेलीग्राफ में ए में आप नोट करें कि हमने दो वर्ड लिए हुए हैं वन और तीन वर्सेज हमने लिए हुए डिग्री टू बी में आप नोट करें कि हमने तीन वर्सेज लिए हुए हैं डिग्री वन एक वर्ड एक्स डिग्री टू का है और एक वर्ड एक्स है डिग्री थ्री का और पार्ट सी जो सोल्यूशन हमें दिया हुआ है उसमें चार वर्डिस हमारे पास डिग्री वन के हैं और एक वर्ड ऐसा है जिसकी डिग्री फोर के बराबर है अच्छा हमने ट्रीज की कुछ एग्जांपल्स दे ली हैं अब हम नॉन ट्रीज की कुछ बात करते हैं हम एग्जांपल्स लेते हैं फॉर नॉन ट्रीज ताकि बेसिकली आइडिया यही है कि डेफिनेशन हमें क्लियर रहे कि व्हाट्स व्हाट्स अ ट्री ड्रॉ अ ग्राफ विद सिक्स वर्डसेज फाइव एजेस दैर इज नॉट अ ट्री सिक्स वर्डसेज हैं और पांच एजिस हैं ट्री विद दिस कंडीशन के छ वर्सिज हों और पांच एजों लेकिन जो ग्राफ रिक्वायर्ड है उसने कहा हुआ कि दैट शुड नॉट बी अ ट्री तो इसके बहुत से सोल्यूशन हो सकते हैं दो सोल्यूशन हमने यहाँ पे दिए हुए हैं सोल्यूशन जो लेफ्ट पे है हमारे पास है इट इज नॉट अ ट्री फॉर टू रीजनस एक तो ये है कि इट इज नॉट कनेक्टेड और दूसरा ये इट कंट्रेन अर्कट इसमें एक ट्राइंगल आ रही है सो द ग्राफ लेफ्ट इज नॉट अ ट्री इसी तरह ग्राफ ऑन द राइट इज नॉट ऑन द सेम रीजन पहली बात तो यह है इट तो इज नॉट कनेक्टेड और एंड अगेन इट कंटेन सर्कट्स तो इन दोनों में से एक भी अगर ट्रू होती तो ग्राफ वॉज नॉट अ ट्री तो अब इनमें देख लें कि दोनों ट्रू नहीं है तो अच्छा अब हम कुछ और नए कंसेप्ट भी साथ साथ इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं अगली जो हम टर्म डिफाइन करेंगे दैट विल बी इंटरनल वर्डस एंड टर्मिनल वर्ड्स दो हमने टर्म्स डिफाइन करनी है आपने नोट किया होगा कि ग्राफ में हमारे पास बहुत से वर्डस ऐसे आ जाते हैं जिनकी डिग्री वन के बराबर होती है इन सारे वर्डस को हम कहते हैं टर्मिनल वर्डस या लीव्स लीव्स भी कह देते हैं और जो टर्मिनल वर्ड ना हो ऐसे वर्डसेस जिनकी डिग्री वन से ज्यादा हो उनको हम इंटरनल वर्डसेज या ब्रांच वर्डसेस कह देते हैं ठीक तो है डेफिनेशन भी आप देख लें और डेफिनेशन के साथ वी हैल्सो प्रोवाइडेड यू एग्जाम्पल्स A vertex of degree 1 in a tree is called a terminal vertex or a leaf. And a vertex of degree greater than 1 in a tree is called an internal vertex or a branch vertex. Or in the example below, you see, that V1, V2, V5, V6, and V8 are terminal vertices. And its internal vertices are V4... एंड वी सेवन एन वी थ्री हमारे पास तीन इसके इंटरनल वर्डिस हैं और बाकी इसके टर्मिनल वर्डिस हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में अच्छा अब हम आ, लीवस की बात कर ली है ब्रांचेस की बात भी कर ली है ट्री को ट्री में आमतौर परंपॉर्टेंट थिंग रूट भी होता है ट्री का लेकिन हम जिन ट्रीज की बात कर रहे हैं उनमें जरूरी नहीं है कि रूट भी हो अगर किसी ट्री का रूट भी एग्जिस्ट करता हो तो उस ट्री को हम रूटेड ट्री कहेंगे सो इन अवर पर्टिकुलर केस हम जिन ट्रीज को स्टडी कर रहे हैं रूट का होना सच जरूरी नहीं है लेकिन अगर हम रूट को डिफाइन कर रहे हो ट्री के अंदर देन दैट ट्री विल बी कॉल्ड अ रूटेड ट्री अब इस कंसेप्ट इस डेफिनेशन को भी देख लेते हैं और इसके साथ साथ जो दूसरे कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं उनको भी हम इकट्ठे डिफाइन कर देते हैं फाइव और सिक्स डेफिनेशन इन द नेक्स्ट लाइड आप मैं एक्सप्लेन साथ एग्जाम्पल के साथ करता चला जाता हूं तो लेट्स रीड थ्रू द स्लाइड फर्स्ट और फिर एग्जाम्पल जो है वो इन डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देंगी अ रूटेड ट्री इज अ ट्री इन विच वन वर्ड एक्स इज डिस्टिंग फ्रॉम द अदर्स एंड इज कॉल्ड द रूट अच्छा रूटेड ट्री में और अन रूटेड ट्री में फर्क ये है कि रूटेड ट्री में हम किसी एक पर्टिकुलर वर्डक्स को स्पेसिफाई कर देते हैं कि दिस वर्ड एक्स

टू एनी वर्डक्स ऑफ द ट्री फिर ट्री के लिए हम चिल्ड्रन पे एंड सिबलिंग्स की बात भी करते हैं ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हमारे पास आती है फ्रॉम फैमिली ट्रीज हमने शायद देखा हो बात फैमिली ट्रीज बनाई जाती हैं जिनमें बताया जाता है कि इस आदमी के इतने uh, से बच्चे हैं और हर बच्चे के आगे फिर उसको बनाया गया होता है पूरा का पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर बनाया गया होता है तो जो बाकी की टर्मिनोलॉजी है उस फैमिली ट्री हमारे पास आ रही है द चिल्ड्रन ऑफ एनी इंटरनल वर्ड एक्स वी आर ऑल दो एंड आर वन ले फर्दर अवे फ्रॉम द रूट दैन वी इफ डब्ल्यू इज द चाइल्ड ऑफ वी देन वी इज कॉल्ड द पेरेंट ऑफ डब्ल्यू तो चाइल्ड के साथ पेरेंट का भी हमारा कंसेप्ट आ गया टू वर्ड इज दैट आर बोर्थ चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग गिवन वर्ड्स इज वी एंड डब्ल्यू इफ वी लाइज ऑन द यूनिक पाथ बिटवीन डब्ल्यू एन द रूट देन वी इज एन एनसेस्टर ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज अ डिसेंडेंट ऑफ वी डेफिनेशन जो थी ये मैंने सारी की सारी पर्ट तो दी है आपको एंड होप फुली यू है एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले तो हमने एक ट्री को लिखा हुआ है विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रूट अब हम आर्बिट्रली इस ट्री में से एक वर्डक्स को कह देते हैं कि दिस वर्ड एक्स इज गोइंग टू बी

जो चिल्ड्रन दे आर एट द सेम लेवल सिब्लिंग्स को हमने एक ही लेवल पे रखा हुआ है कि रूट के आगे हमारे पास तीन ब्रांचेस बन रही हैं, और इसका मतलब यह है कि रूट हैज थ्री चिल्ड्रन तो लेवल वन हमारे पास आ गया फिर इन चिल्ड्रन के आगे ब्रांचेस जो बनेंगी, दैट विल बी लेवल टू फिर उन चिल्ड्रन के आगे जो ब्रांचेज बनेगी दैट विल भी लेवल थ्री और फिर उन चिल्ड्रन के बाद आगे जो ब्रांचेज बनती है दैट इज लेवल फोर तो एक चीज जो आप नोट करें कि गिवन ट्री एंड दिस ट्री आर एग्जैक्टली द सेम फर्क सिर्फ ये है कि जो हमारे पास गिवन ट्री था दैट वाज नॉट डेजिग्नेटेड एनी वर्टेक्स एज़ अ रूट लेकिन इसमें हमने एक वर्टेक्स को रूट के तौर पर डिसाइड किया हुआ है अच्छा कोस्ट वर्टेक्स को हमने एन सर्कल किया हुआ एनक्लोज किया हुआ एक रीजन के अंदर अब ये जो है ये सारे के सारे यू के वर्टेक्स यू के डिसेंडेंट्स हैं ये डिसेंडेंट को भी हमने डिफाइन किया था अपने डेफिनेशंस के अंदर तो ये सारे के सारे वर्सेस जो है ये यू के डिसेंडेंट है और इन सारे के सारे वर्ड का हम कहेंगे कि यू इनसेस्टर है बाकी टर्मिनोलॉजी भी देख लें कि वी इज अ चाइल्ड ऑफ यू यू इज अ पेरेंट ऑफ वी वी एंड डब्ल्यू आर सिबलिंग्स क्योंकि ये दोनों यू के चिल्ड्रेन है वी एंड डब्ल्यू आर बोथ चिल्ड्रन ऑफ यू देर फॉर वी एंड डब्ल्यू आर सिबलिंग्स अच्छा इसमें यह भी नोट कर लें कि इस ट्री की हाइट जो है ये फोर के बराबर है हम रूट से लेवल जीरो से शुरू करके हम लेवल फोर तक गए थे सो दिस ट्री हैज हाइट फोर अच्छा ये सारे के सारे कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिनमें क्वेश्चन जो पूछे होंगे ये होंगे आप आंसर कर सकेंगे इफ यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन प्रॉपरली कंसिडर द रूट ट्री शॉन बिलो विद रूट वी नॉट वट इज द लेवल ऑफ v8 एट तो वी का हमने लेवल देखना है तो इसके लिए देखें कि हम v0 से v1 पे आते हैं फिर v1 से v5 पे आते हैं और फिर v5 से हम v8 पे आते हैं तो इसका मतलब है कि v8 का लेवल जो है ये थ्री के बराबर है पार्ट बी व्हाट इज द लेवल ऑफ v0 v0 का लेवल जो है वो जीरो ही है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री हाइट के लिए अब ये देखें कि लॉन्गेस्ट पाथ हमारे पास कितनी बन रही है लॉन्गेस्ट पाथ को अगर आप देखें तो वी नाट से आप पहले V2 पे जाएंगे वन फिर V2 से V6 तक टू फिर V6 से V12 तक थ्री फिर V12 से V17 से तक फोर और फिर V17 से V19 तक सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो बन रही है उसकी लेंथ फाइव के बराबर है जिसका मतलब है कि इस ट्री की हाइट जो है ये फाइव के बराबर है पार्ट डी इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट आर द चिल्ड्रन ऑफ वी टेन वी टेन के एज यू कैन सी देर आर थ्री चिल्ड्रन वी फोर्टीन वी फिफ्टीन एंड वी सिक्सटीन वट आर सिब्लिंग्स ऑफ वी वन वी वन के सिब्लिंग्स हमने देखने हैं So V2 is a child of V 0 V0 called V0 child of V2. Iska hai V1 and V2 are siblings. So V1 has only one sibling, V2. What are the descendants of V12? V12 ke humne descendants. So V12 ke descendants hai V17, V18, and V19. So V12 has three descendants. सेवेंटीन वी एटीन एंड वी नाइनटीन ओके अब हमारा अगला कंसेप्ट जो है पहले तो आप चीज नोट करें कि अभी तक हम जिन ट्रीज को कंसिडर कर रहे हैं इनमें एक से ज्यादा दो से ज्यादा ब्रांचेस भी पॉसिबल थी इट वॉज पॉसिबल फॉर अ नॉड टू हैव मोर देन टू चिल्ड्रन अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें के अवॉर्ड कैन हैव ओनली टू चिल्ड्रन एट मोस्ट कैन हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रन तो फिर जो हमारे पास ट्री आएगी उसको हम बाइनरी ट्री कहते हैं सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बाइनरी ट्री की बहुत एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस के अंदर और इसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कंप्यूटर साइंस बाइंड्री ट्री इज अ रूटेड ट्री

वर्टक्स हैज एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन हर इंटरनल वर्टक्स के अगर एग्जैक्टली दो चिल्ड्रेन हो तो फिर उसको हम फुल बाइंड्री ट्री कहते हैं एग्जाम्पल भी आप स्क्रीन पर देख लें हमने एक बाइंड्री ट्री बनाई हुई है और रूट इसका स्पेसिफाई किया हुआ है और इसकी सब ट्रीज भी हमने डिफाइन कर दी हुई है Uh, w की सब ट्री को हमने एक अलग रीजन में दिखाया हुआ है और इसी तरीके से W की राइट सब ट्री को हमने अलग दिखाया हुआ है अच्छा अब हम एक रिजल्ट करते हैं इस रिजल्ट में uh, हम uh, कुछ रिलेशनशिप डेवलप करेंगे बिटवीन इंटरनल वर्डिस एंड टर्मिनल वर्डिस इफ k इज अ पॉजिटिव इंटीजर and t is a full binary tree with k internal vertices then t has a total of 2k plus 1 vertices and has k plus 1 terminal vertices or do part is theorem k if t is a binary tree that has t terminal vertices and height t then t is less than or equal to 2 to the power h

तो टोटल वर्डिस हमारे पास आ जाएंगे इनको काउंट किया जाए तो इट विल बी क्योंकि हमारे पास आ, वन रूट के अलावा आ जाएगा ना वन को हम रूट के तौर पे ले लेंगे और बिकॉज आर इंटरनल टोटल काउंट देउंटम टू के प्लस द रूट वर्ड एक्स वन के तौर पे अच्छा फिर इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि हमने इंटरनल वर्ड बता दिए के और बाकी वर्ड हो गए के को इस तरह हम जब करेंगे दे विल बिकम प्लस वन टर्मिनल वर्सेस। तो बड़ा सिंपल किसम का इसका आइडिया प्रूफ का और दूसरे में आप ये देखें कि हमने देखना है कि T इज लेस देन आर इक्वल टू 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 द पावर H। अगर हमारे पास कंप्लीट अगर ट्री हो कोई तो उसमें वर्सेस की तादाद हो जाती है टू टू दावर एच टर्मिनल वर्सेज की तादाद तो इस तरह टर्मिनल वर्सेस की तादाद विल ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डू नॉट एग्जिस्ट फुल बाइंड्री ट्री विद नाइन वर्ड एंड फाइव इंटरनल वर्डसेस अभी हमने नोट किया है कि अगर फाइव इंटरनल वर्डसेस होंगे तो फुल बाइंड्री ट्री में टर्मिनल वर्डिस प्लस वन सिक्स हो जाते हैं हमारे पास तो इस तरह टोटल वर्डिस बनने चाहिए इलेवन नॉट नाइन तो इसमें नाइन वर्ड दिए हुए हैं विद इंटरनल वर्डिस दैट इज नॉट पॉसिबल अच्छा बाइंड्री ट्री विद हाइट फोर एटीन टर्मिनल वर्सेज अभी हमने कहा था कि टर्मिनल वर्सेज जो है दे आर लेस देन और इक्वल टू 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 द पावर एच एच जबकि हाइट है अब इसकी हाइट चूंकि फोर के बराबर है तो टर्मिनल वर्सेज विल भी लेस देन और इक्वल टू 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 द पावर फोर विच इज सिक्सटीन तो इस तरह ये पॉसिबल नहीं है कि बाइंड्री ट्री के लिए इवन इफ इट्स फुल ट्री फुल बाइंड्री ट्री टू हैव मोर देन सिक्सटीन टर्मिनल वर्सेज सो दिस इज नॉट पॉसिबल अब इसी तरह हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिनमें इन्हीं दो रिजल्ट्स की एप्लीकेशन हमारे पास आएगी बल्कि पहले रिजल्ट की हमारे पास एप्लीकेशन आएगी जो कि हमने इस थ्योरे में स्टेट किए थे ड्रॉ अ फुल बाइनरी ट्री विद सेवन वर्डसेस टोटल नंबर ऑफ वर्ड हमारे पास सेवन है एन अकॉर्डिंग टू फार्मूला दैट इज इक्वल टू टू के तो के की वैल्यू अगर थ्री के बराबर लिया जाए तो टू के प्लस के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि ग्राफ हैज़ थ्री इंटरनल वर्डसेस अब इस ग्राफ को हम ड्रा uh, करना शुरू कर देते हैं लेकिन ड्रॉ करने से पहले यह भी नोट कर लें अगर इफ इट हैज थ्री इंटरनल वर्डसेज देन बीइंग अ फुल ट्री फुल बाइनरी ट्री इट मस्ट हैव फोर टर्मिनल वर्डसेज हम ग्राफ को ड्रॉ करना शुरू करते हैं ए को हम ले लेते हैं लेबल कर देते हैं रूट के तौर पर एंड इट विल हैव क्लियरली टू ब्रांचेस बी और सी उनको लेबल कर देते हैं फिर बिकॉज इट्स ट्री बी विल हैव टू ब्रांचेस बी एंड डी उनको लेबल कर लें बी विल ऑल्सो है इस तरह ये हमारे पास आ गई है ट्री फुल ट्री विद सेवन वर्डसेस अच्छा इसी तरह की एक और एग्जाम्पल हम करते हैं ड्रॉ बाइंड्री ट्री विद हाइट थ्री एंड हैविंग सेवन टर्मिनल वर्डसेस इसके लिए वही तरीका हमारा है कि पहले हम रूट से शुरू करते हैं रूट को हम ए से लेबल कर दें और इसके बाद हम दो इसके चिल्ड्रन बना लेते हैं बी एंड सी फिर बी हैज़ टू चिल्ड्रन एफ एंड जी एंड सी ऑल्सो हैज़ टू चिल्ड्रेन डी एंड ई इनको लेबल कर लें फिर डी के लिए भी हम दो चिल्ड्रन बना लेते हैं एच एंड आई और ई e के लिए भी टू तो चिल्ड्रन जे एंड के और फिर F के लिए हमने A की चाइल्ड ले लेते हैं L और फिर G के लिए हम M एंड N दो चिल्ड्रन ले लेते हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई है आप नोट करेंगे कि इसके अलावा भी और सोल्यूशन हो जा पॉसिबल है हमने F का एक चाइल्ड लिया है हम D के भी एक चाइल्ड ले सकते थे तो हमारे पास लेवल थ्री पे एक्जैक्टली exactly सेवन आने चाहिए जिसका मतलब है कि लेवल फोर के चार वर्सेस में से तीन वर्सेज ऐसे होंगे जिनमें से हर वर्डेक्स के दो चिल्ड्रन हैं और एक वर्ड ऐसा होगा जिसका कि एक चाइल्ड है तो इस पर्टिकुलर केस में हमने F के लिए एक ही चाइल्ड लिए और बाकी दिन वर्डसेस के लिए हमने दो दो चिल्ड्रन लिए हैं एंड इफ़ यू टेक फॉर D, डी को अगर हम एक चाइल्ड के तौर पे ले लें D का सिर्फ एक चाइल्ड लें यू विल गेट डिफरेंट ट्री बाइनरी ट्री की बहुत सी एप्लीकेशन हैं कुछ एप्लीकेशन को हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे आज हम एक एक्सप्लेकेशन इसकी करते हैं कि हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्री किसी भी अल्जब्रिक एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्री आप ये नोट करें कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास एडिशन के लिए सिंबल आएगा प्लस का सब के लिए सिंबल आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन के लिए किसी भी अजब्रिक एक्सप्रेशन में ये चार सिंबल्स आएंगे उसके बाद हमारे पास नंबर आ सकते हैं या वेरिएबल्स आ सकते हैं और हम किसी भी अल्जब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ट्री अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं पहले हम नस्पता सिंपल एक्सप्रेशन लेते हैं और फिर उसके बाद वील मूव टूवर्ड्स रिलेटिवली मोर कम कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन अच्छा पहली एग्जांपल हम लेते हैं हमारे पास एक बड़ा सिंपल अलजब्रिक एक्सप्रेशन है ए डिवाइडेड बाई बी इसमें ए की अर्थमेटिक ऑपरेटर डवीएन का हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी ट्री बनाने का रूल ये है कि जो हमारा ऑपरेटर है उसको हम रूट के तौर पे ले लेते हैं फिर चूंकि एक्सप्रेशन है ए डिवाइडेड बाय बी तो ए को हम लेफ्ट चाइड ले लेंगे और बी उसको बी को हम राइट right चाइड ले लेंगे तो इस तरह जो हमारे पास बाइंड्री ट्री आ रहा है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू दब्रिक एक्सप्रेशन ए डिवाइडेड बाई बी अच्छा दूसरी एग्जाम्पल में हम अल्जब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं a डिवाइडेड बाय c प्लस डी तो इसमें भी प्रोसीजर हमारे पास वही होगा कि डुवीन का जो हमारा ऑपरेटर उप, है इसको हम रूट के तौर पे ले लेते हैं अब यह है ए डिवाइडेड बाय c प्लस डी तो a इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा अब राइट right चाइल्ड में हमारे पास एक और अल्जब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है सी प्लस और ये भी हमारा एक इसमें हम पहले एडिशन को ले लेंगे एज एन इंटरनल वॉटक्स इसका डिवीजन का रूट का जो राइट right आएगा चाइल्ड इट विल कंटेन एडिशन और फिर एड हम कर रहे हैं सी प्लस डी और सी को हम लेफ्ट चाइल्ड के तौर पे ले, ले लेते हैं प्लस के और डी को राइट right चाइल्ड के तौर पे ले लेते हैं तो इस तरह हमारे पास एक बाइंड्री ट्री आ गई है

रूट का लेफ्ट चाइल्ड जो है दैट विल बी ए क्लियरली अब राइट right चाइल्ड में हमारे पास एक एक्सप्रेशन है के राइट right पे भी हमारे पास एक पूरा एक्सप्रेशन है बी माइनस सी इनटू डी इसमें हम डन के राइट right चाइल्ड के तौर पे हम माइनस सिंबल ले लेते हैं और माइनस हम कर रहे हैं बी माइनस सी इंटू डी तो इस तरह माइनस के लेफ्ट चाइल्ड के तौर पर हम बी ले, ले लेंगे और फिर राइट right पे हमारे पास एक फिर एक छोटा एक्सप्रेशनल जब एक, एक एक्सप्रेशन आ रहा है सी इंटू डी तो इस तरह माइनस का राइट right चाइल्ड जो है ये डॉट का साइन बन जाएगा विच रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन और फिर आखिर में डॉट साइन के दो हमारे पास चाइल्ड्स आ जाएंगे सी को हम लेफ्ट चाइल्ड के तौर पे ले लेते हैं और डी को राइट right चाइल्ड के तौर पर ले लेते हैं तो इस तरह ये हमारे पास बाइंडरी ट्री कंप्लीट हो गया है विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू द गि एक्सप्रेशन ए डिवाइड बाई बी माइनस सी इंटू डी अच्छा एक चीज इसमें नोट करें कि ये जो हमारे पास बाइंड ट्री है इसके जितने इंटरनल वर्डसेज हैं दे ऑल कंटेन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इनमें डवी एन आ रहा है या सब्रेक्शन आ रहा है या मल्टीप्लीकेशन आ रहा है और जो इस इनके टर्मिनल वर्डसेज हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं ए बी सी एंड डी अच्छा अभी हमने अपने ट्रीज के टॉपिक को कंटिन्यू करना है इन अवर नेक्स्ट लेक्चर एंड एज यू नो वेरी वेल आवर नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द कोर्स तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को शुरू किया था काफी अब हफ्ते हो गए हैं देर सेवरल वीक्स अगो एंड मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों ने इनको इसको एन्जॉय किया होगा हम आखिरी लेक्चर के लिए आई विल मीट अगेन एन आज से गुड बाय टू यू फनाओ